चैनल टू ट्रेंड वेनू आज हम बनाने वाले हैं ओट्स मैगी। देखिए हमने पहले इसमें ओट्स डाल दिया है और दो तीन मिर्ची काट के डाल दी है। अब हम डालेंगे इसमें पानी और ये मैगी हमारी, तो थोड़ा पानी डालते हैं। मैगी थी तो हमें अपने स्वाद अनुसार आप मसाला डाल लीजिएगा। हल्दी डालनी है थोड़ी सी, धनिया और मिर्च, और थोड़ा सा अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिए। फिर अभी हम मैगी डालेंगे इसके अंदर। ये मैगी है तो पहले तोड़ेंगे। दोस्तों हमने ग्राइंड कर लिया है इसको, उसके पैकेट में अभी हमें इसको अच्छे से डालना है। इसको हमने डाला मैगी को, 1 स्पून दो मुझे। इसमें हमें लगता है कि थोड़ा और पानी लगेगा, ज्यादा हो गया है। अभी हम थोड़ा कॉर्न डाल लेते हैं। कॉर्न अपने हिसाब से आप इसमें कोई भी सब्जियां डाल सकते हो। अभी हम इसमें मैगी मसाला डालते हैं। 3 पैकेट थे ना मैगी के, तो हमें 3 मसाले मिले तो हम डाल रहे हैं। तो डाल हमें लगता है कि इसमें थोड़ा और पानी डालना चाहिए। देखिए दोस्तों हमने इसमें ओट्स डाल दिए हैं, तभी मैगी थोड़ी गाढ़ी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पानी कम हो गया था। देखिए इस पे पीला कलर कितना अच्छा आ रहा है, और इसमें 3 मैगी में मतलब 5-6 लोग खा सकते हैं आराम से। इसमें थोड़ी ओट्स भी डाले हैं और इसमें पानी भी 5 कप डाला है। फिर अभी हम आपको दिखाते हैं पकने के बाद। दोस्तों हमने इसको पका लिया है, अब ये बिल्कुल गाढ़ी और ठीक हो चुकी है, और हमने इसमें ओट्स भी डाला है थोड़ा। ये अभी कभी अगर आपको कभी भी जरूरत हो, अगर आपके पास ज्यादा सामान ना हो तो आप ऐसे इससे बना सकते हैं आराम से। अगर आप भी इसको एक बार घर पे ट्राई करके देखिएगा और हमको कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। अभी हम इसकी फ्लेम बंद करते हैं। ये पक चुकी थी इसलिए बहुत टेस्टी है। और हमने इसमें धनिया भी डाली है। अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं। ठीक बनी है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जितना हो सके आप उतना करिए, और फिर एंजॉय माय रेसिपी।